हेलो बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का इंडिया के लार्जेस्ट ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म दैट इज अनअकैडमी पर। बच्चों, आज हम लोग अपने इस सेशन में बात करने वाले हैं हाउ टू प्लान अ डे व्हेन एग्जाम्स इज नियर। तो बच्चों, ये सेशन मेनली उन बच्चों के लिए है जिनको अब जैम 2021 देना है, 2021 इसी साल होने वाला जैम जिनको देना है। बच्चों, ये सेशन उनके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों, आज के सेशन को शुरू करने से पहले लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। माई नेम इज प्रतीक अग्रवाल, आई एम अ पोस्ट ग्रेजुएट फ्रॉम आईआईटी दिल्ली। My All India rank was 2090 JAM, 76 in GATE and 29 in CSE and NET. My total teaching experience is more than 8 years. और बच्चों, अगर मैं आपको फटाफट से अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन प्लेटफॉर्म के बेनिफिट्स के बारे में बताऊं, तो आपको यहां मिलती हैं डेली लाइव क्लासेस, यहां होते हैं आपके लाइव टेस्ट और लाइव क्विजेस, यहां जो आपका सिलेबस है वेल स्ट्रक्चर्ड है, वेल प्लान्ड है, और यहां मिलता है आपको अनलिमिटेड एक्सेस। यहां आप अपने मन मर्जी के एजुकेटर के मन मर्जी का टॉपिक का लेक्चर कितनी भी बार दे सकते हो। और बेटा जी, ये जो लाइव क्लासेस हैं इसकी बड़ी इंपॉर्टेंस है। अगर आप लाइव क्लासेस के दौरान अपने एजुकेटर से इंटरेक्ट करते हो, अगर आप लाइव क्लासेस के दौरान अपने मन में आया डाउट हैंड टू हैंड पूछ लेते हो, तो लाइव क्लासेस आपको क्लासरूम लर्निंग एक्सपीरियंस ही प्रोवाइड करता है। आप अपने घर बैठे बैठे अपने कम्फर्ट जोन में बैठे बैठे टॉपिक को समझ भी लोगे और सीख भी लोगे। मोरोवर बेटा जी, हम लोगों ने आप लोगों के लिए 1 month, 3 month, 6 month, 12 month एंड 24 month सब्सक्रिप्शन प्लान लॉन्च करे हैं। इनमें से आपको जो अच्छा लगे आप वो ले सकते हो। मेरी राय में आपके लिए बेस्ट रहेगा 12 महीने का या 24 महीने का प्लान, क्योंकि इनकी पर मंथ कॉस्ट सबसे कम है। बट हाँ बच्चों, अनअकैडमी पे कोई सा भी कोर्स परचेज करते समय आपको कोड यूज करना है PASIR टू अवेल 10% डिस्काउंट। इनफैक्ट बच्चों, अगर आपने अभी तक अनअकैडमी की लर्निंग ऐप इंस्टॉल नहीं करी है तो इसको इंस्टॉल कर लीजिए, बिकॉज हमारे अनअकैडमी की लर्निंग ऐप पे आप लोगों के लिए काफ़ी सारे अमेजिंग फीचर्स हैं। वहाँ आप लोग अपने एजुकेटर्स के साथ लाइव चैट कर सकते हो, वहाँ आप लोगों के लिए काफ़ी सारे फ्री कोर्सेज भी अवेलेबल हैं बच्चों। तो उन कोर्सेज को भी अनलॉक करने के लिए आपको एक कोड चाहिए होगा, दैट कोड विल बी PASIR। तो चलिए बच्चों, फटाफट से शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। देखिए, जब एग्जाम पास आने वाला होता है, जब एग्जाम के लिए हार्डली एक महीना बचा होता है, तो हमारा सिर्फ एक ही काम है, सोना, पढ़ना और खाना, और इसी को रिपीट करते रहना। बच्चों, आपके जीवन में अब सिर्फ तीन काम होने चाहिए, पढ़ाई करना, सोना और खाना पीना, ठीक है। तो बच्चों, मेन बात जिनको आपको ध्यान रखना है वो ये है, इफ यू थिंक दैट यू आर प्रिपेयर्ड, डोंट। ऐसे बेटा प्रिपेयर्ड तो कोई भी नहीं होता, ठीक है, फुल्ली प्रिपेयर्ड तो कोई भी नहीं होता। मेरी जैम में रैंक 20 थी, पूरा सिलेबस तो बच्चों मैं भी नहीं कर पाया था, फुल प्रिपरेशन तो मेरी भी नहीं थी, ठीक है। रिफ्रेन फ्रॉम बींग ओवर कॉन्फिडेंट, ओवर कॉन्फिडेंट होने से दूर रहना है, आराम से पढ़िए। हाँ, खुद को ओवर स्ट्रेस भी मत करिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कॉन्फिडेंट मत रहिए, बट ओवर कॉन्फिडेंट होना गड़बड़ है, खुद को स्ट्रेस में रखना भी गड़बड़ है, ओके। नेक्स्ट थिंग बच्चों, विच इज इंपॉर्टेंट इज रिफ्रेन फ्रॉम पैनिकिंग, क्योंकि डर के आगे जीत है। बच्चों, कुछ लोगों की आदत होती है, हम में से काफी लोगों की आदत होती है पैनिक करने की, बात बात पे चिड़चिड़ाने की, खुद को यह महसूस दिलाने की कि मेरी प्रिपरेशन पूरी नहीं है। तो बेटा, ये बार बार डरना या पैनिक करना, टेंशन लेना, ये आपको हेल्प नहीं करेगा। पैनिकिंग वोंट हेल्प यू इन एनी वे। इंस्टेंट बी काम एंड कंपोज्ड, आराम से बेटा शांत बैठो, ठीक है। इफ यू फील दैट यू हैवंट डन इनफ, एक्सेप्ट इट, आपने काफी कुछ नहीं कर रखा है, तो कोई बात नहीं, टेंशन लेने वाली बात नहीं, आप इसको एक्सेप्ट कर लो। मूव टू द पार्ट दैट यू हैव प्रिपेयर्ड एंड प्रिपेयर दैट, जो आपको पार्ट आपने कभी ना कभी पढ़ रखा था, आप उसको मूव करो, उस पर फोकस करो। बार बार ये सोचने से मुझे ये भी नहीं आता, मुझे वो भी नहीं आता, मेरे से कुछ भी नहीं होगा, ये बच्चों चीजें हेल्प नहीं करने वाली हैं। आप जितना पार्ट अच्छे से कवर कर सकते हो, आप उस पर कवर करने पर ध्यान दो, ठीक है। इफ यू कुडंट कंप्लीट इट ऑल, डू वॉट यू कैन डू। भाई सिंपल सी बात है, अगर आपको ये लग रहा है कि आप पूरा सिलेबस कवर नहीं कर सकते, कोई टेंशन वाली बात नहीं है बच्चों, जितना कर सकते हो उतना करो। If you couldn't cope up with whole syllabus, don't panic. Tension लेने की बात नहीं है, prepare thoroughly what you have done already. जो आपको अच्छे से आता है आप उसको अच्छे से कर लो। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके पास समय बचा है, तभी आप कुछ नई चीजें पढ़ने बैठो। Still, if you couldn't, don't worry, क्योंकि ये तो बच्चों सबके साथ होता है। ये जो फीलिंग आपको आ रही है, ये जो डर आपको लग रहा है, ये बच्चों सभी को लगता है, ये आपको लगना कोई नई बात नहीं है, ओके। डोंट फॉरगेट टू टेक द ब्रेक्स, आखिर हम भी तो इंसान हैं बच्चों, ब्रेक्स लेने बहुत बहुत जरूरी हैं, ठीक है, क्योंकि ब्रेक्स लेने से माइंड रिफ्रेश होता है। डिवाइड योर डे शेड्यूल टू गिव योरसेल्फ इनफ ब्रेक्स, डोंट वेस्ट योर टाइम। ब्रेक का मतलब ये नहीं है कि आप यहाँ वहाँ घूमो, फेसबुक पर लग जाओ, टाइम वेस्ट नहीं करना है। यूज ब्रेक टाइम टू ईट, मेडिटेट और लिसन म्यूजिक, ठीक है। ट्रस्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओके बच्चों।
नेक्स्ट थिंग विच इज इंपॉर्टेंट इज स्ट्रीमलाइन योर प्रायोरिटीज, अपनी प्रायोरिटीज को डिसाइड कर लो, फाइंड आउट योर वीक पॉइंट्स, प्रैक्टिस देम प्रॉपरली, जहां आपको लगता है दिक्कत है उनकी प्रैक्टिस अच्छे से करो, डोंट शाय अवे फ्रॉम सीकिंग हेल्प, अगर जरूरत चाहिए बच्चों तो फ्रेंड से या टीचर से हेल्प लेने में कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, आप अपनी डाउट्स अपनी प्रॉब्लम्स डिस्कस कर सकते हो। ओके तो बच्चों पॉइंट ये है, ये जो सारी बातें मैं आपको बता रहा हूँ ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आप ध्यान रखना, ये आपको काफ़ी हेल्प करने वाले हैं। ठीक है, फिनिश ऑफ दोज 10 ईयर्स, क्योंकि ये तो बरसों पुरानी रीत है। अरे बच्चों बचपन से हमें ये सिखाया जाता है कि बचपन से हम ये सीखते आ रहे हैं कि किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तो करने ही चाहिए, प्रैक्टिस ऑल द क्वेश्चंस थोरली, सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थोरली सॉल्व करो, सिट डाउन एंड कंप्लीट वन पेपर एट वंस, एक बार में पूरा एक पेपर सॉल्व करो, इससे आपका टाइम मैनेजमेंट अच्छा होगा, असेस योर ओन सेल्फ एंड थिंक द वे योर एग्जामिनर वुड थिंक। ये लास्ट पॉइंट बच्चों बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, अपनी इगड़म तिगड़म मत लगाओ, हर क्वेश्चन को पढ़ने के बाद ये सोचो कि देने वाले ने ये क्वेश्चन क्या सोच के दिया है, उसकी थिंकिंग के हिसाब से हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ओके बच्चों, नेवर नेगलेक्ट योर स्लीप, कम से कम हमें वो तो याद रहे जो हमें आता है ना, तो डोंट वेकअप ऑल नाइट, पूरी रात भर रट्टा मत मारो बैठ के, ठीक है, टेक प्रॉपर स्लीप, पूरी नींद होनी जरूरी है बेटा, दिस विल हेल्प यू मेमोरी ड्यूरिंग एग्जाम्स। नॉर्मली क्या होता है बच्चे, एग्जाम्स के आसपास बच्चों आप लोग क्या करते हो, आप लोग सोना बंद कर देते हो, आप लोग सोचते हो कि सोने का टाइम बचा लो, उससे कोई फायदा नहीं है, एफिशिएंसी बहुत लो हो जाएगी, जो याद करोगे वो भी भूल जाओगे बच्चों। ठीक है, तो नींद को प्रॉपरली लेना है। ओके बच्चों, स्टडी इन ग्रुप्स, फ्रेंड्स ऑलवेज हेल्प, कुछ तुम कहो कुछ हम कहें, है ना बच्चों, कुछ वो कहेंगे और कुछ आप कहो, सिंपल सी बात है बच्चों, होता क्या है साथ में बैठने से अक्सर प्रेशर कम हो रहता है। ठीक है, अकेले बैठे बैठे आपकी ज्यादा टेंशन लेता है, तो साथ में रहने से बच्चों प्रेशर कम हो जाएगा। डिस्कस टॉपिक विद ईच अदर, शेयर नोट्स विद ईच अदर, शेयरिंग से बच्चों काफी फायदे होते हैं, आपको आपकी मम्मी ने आपके पेरेंट्स ने शेयरिंग तो सिखाई होगी, है ना बच्चों। तो बच्चों आज के इस सेशन को अटेंड करने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। इस लेक्चर को मैं आपसे कहूंगा जिन लोगों का भी जहां बेसिक्स का एग्जाम है वो लोग इस सेशन को एक बार दोबारा जरूर देखें, और बच्चों ऐसे किसी भी सेशन को मिस ना करने के लिए आप लोग हमारा चैनल है टेलीग्राम पे, लेट्स क्रैक आईटी जैम के नाम से, आप इसको ज्वाइन कर लें, बिकॉज हम अपने हर लेक्चर का लिंक यहाँ से जरूर करते हैं। तो बच्चों आज के लिए टाटा बाय बाय, अनअकैडमी पे कोई सा भी कोर्स परचेज करते समय आप लोग PA सर कोड यूज करना ना भूलें।